हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है SOL Solutions। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि BA प्रोग्राम थर्ड ईयर हिस्ट्री के जो विशेषकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे बताया कि ग्लोबलाइजेशन का जो एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतर गया और मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे उन्हीं में से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मेरी मदद से आपकी कुछ मदद हुई। दोस्तों, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं कि हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका हमने टॉपिक आज चूज़ किया है कि जो महान आर्थिक संकट है यानी जो द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके बारे में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूँ क्वेश्चन पूछेगा कि महान आर्थिक संकट क्या थी, इसके बाद पूछेगा सीधा सीधा कि इसके कारणों को बताइए या तो इसके परिणामों को बताइए। तो आज की वीडियो जो हमारी है विशेष रूप से हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी वजह रही, क्या कारण रहे जिसके कारण जो ये विश्व स्तर पर जो ये आर्थिक संकट था, इतना बड़ा आर्थिक संकट आया, क्या था क्या नहीं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप आंसर शुरू करते हो अपना, अब आपको पता है कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले उसकी भूमिका बनानी होती है, प्रस्तावना लिखनी होती है या उसका इंट्रो परिचय, जिस भी प्रकार से आप स्टार्ट करते हो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि आप जैसे जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक लगभग 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला और उस विश्व युद्ध के अंदर लगभग 37 देश शामिल थे और 37 देश शामिल होने के कारण क्या है, और वो महत्वपूर्ण देश थे, बड़े देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था खास मानी जाती थी। अब क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ इतने बड़े पैमाने पर तो देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण ही आगे चल के हम देखते हैं कि एक संकट का दौर आया, जो कि भाई अलग अलग विचारक अलग अलग टाइम की बात करते हैं, लेकिन मैंने कई बुक रीड करी, काफ़ी बुक रीड करने के बाद मैंने एक एक्चुअल डेट निकालने की कोशिश करी जो मैंने लिखा है। ये जो था आर्थिक संकट 1929 से लेकर 1932 तक हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जो ये आर्थिक संकट है इसे हम पूंजीवादी संकट के नाम से भी जानते हैं। पूंजीवादी संकट के नाम से क्यों जानते हैं, क्या कारण है इसका, ये कारण है कि जो अमेरिका है, अमेरिका पूंजीवाद का सबसे बड़ा देश था और पूंजीवाद को फैलाने में उसकी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्या हुआ कि ये जो संकट था ये सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमें अमेरिका में ही देखने को मिली और इसके बाद धीरे धीरे ये अन्य देशों में भी फैलनी शुरू हो गई। अब जो ये आर्थिक संकट है, इस आर्थिक संकट का शुरुआत होता है आपका 29 अक्टूबर 1929 को। देखो 29 ही तारीख है, अक्टूबर का मंथ है और 1929 है, 1929 है। क्या होता है कि भी अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है उसे बोला जाता है स्ट्रीट वॉल। क्या बोला जाता है, स्ट्रीट वॉल बोला जाता है अमेरिका के शेयर बाज़ार को। और उसमें क्या होता है कि अचानक से गिरावट आ जाती है। गिरावट का मतलब यह है कि अगर आप थोड़े बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, आप न्यूज़ भी देखते होंगे, तो उसमें आप देखते हो कि हमारा शेयर बाज़ार होता है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जिन्हें पता होगा शेयर बाज़ार के बारे में, नहीं पता होगा तो आप गूगल करके सर्च कर लेंगे, ठीक है, तो शेयर बाज़ार के बारे में आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है। देखो दोस्तों, शेयर बाज़ार मेनली क्या होता है, देश का जो व्यापार वगैरह होता है उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। तो शेयर बाज़ार जो अमेरिका का था जिसे स्ट्रीट वॉल कहते हैं, वो एकदम से क्या हुआ कि नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब है कि भाई अचानक बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आई और जो वस्तुओं के जो दाम थे वो 25% तक गिर गए। और 25% गिरने के कारण जो अमेरिका के 100% के जो शेयर थे वो मात्र केवल 25% में ही बिकने शुरू हो गए। और भाई क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, तो उन्हें जो भी लागत मिल रही थी, चाहे 25% मिल रही हो, 30% मिल रही हो, तो देश लेने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे बाद में ये भी नहीं मिलता। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुई, अमेरिका कैसे शुरू हुई, अमेरिका में कैसे इसकी शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में क्या होता है कि उसके शेयर बाज़ार होते हैं जिसे स्ट्रीट वॉल कहते हैं, उसमें अचानक गिरावट आई और उसके जो शेयर्स थे वो मात्र 25% के जो दाम थे उसमें ही बिकने लगे। दोस्तों,
अब ये तो रहा हमारा क्वेश्चन का इंट्रो। अब हम क्वेश्चन में जो मेन पार्ट्स है इसका, देखो दोस्तों सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि आर्थिक संकट क्या था। आपने आर्थिक संकट को थोड़ा डिफाइन कर दिया। अब आर्थिक संकट होने के क्या कारण थे, अब आपको ये बताना है कि ऐसी क्या वजह रही जिससे आर्थिक संकट जो विश्व स्तर पर उभरा, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और मित्र भाई बहन भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कारण क्या है, क्या कारण नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस पॉइंट में आपको क्या लिखना है। हमने बात करी थी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बड़े पैमाने पर व्यापार वगैरह क्या हुआ था, हमारा व्यापार में बड़ी हानि हुई थी। हानि आने का कारण क्या है, व्यापार में हानि आने का, क्यों, क्योंकि भाई जो युद्ध हुआ, युद्ध के कारण एक दूसरे से संबंध भी खराब हुए, और जब संबंध खराब हुए तो क्या हो रहा था कि व्यापार बहुत कम हो रहा था दुश्मन देशों के बीच में, तो ना के बराबर हो रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब युद्ध चल रहा था उस समय सैनिकों की बहुत ज़्यादा मांग थी, और सैनिकों की मांग के कारण क्या है, सैनिकों की जरूरत भी थी क्योंकि युद्ध चल रहा था। अब युद्ध के अंदर बहुत सारे सैनिक जाते थे तो सैनिकों के खाने के लिए या फिर उसके अन्य क्रियाकलापों के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए उद्योगों को बड़ा तेज़ी से चलाया गया। उद्योगों से जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते थे उतना उद्योगों से बेनिफिट लिया गया। लेकिन हम देखते हैं जब युद्ध ख़त्म हो गया तो ये प्रोडक्शन तो उसी प्रकार से बढ़ता रहा, उत्पादन जो हमारा है उसी प्रकार से बढ़ता रहा। अब उत्पादन उसी प्रकार से बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि आगे चल के हम देखते हैं जो बाज़ार है, बाज़ार में हमारे जो स्टॉक्स हैं वस्तुओं की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या है कि भैया अब वो ख़त्म होगा तब तो नया उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन वस्तु बाजार में बहुत ज़्यादा होने के कारण भी एक आर्थिक मंदी आई कि कोई खरीद नहीं रहा था वस्तुओं को। क्यों नहीं खरीद रहा था, अब इसके बारे में अगले पॉइंट में हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट मेनली आपको ये लिखना है कि विश्व युद्ध से जो आपकी उत्पन्न परिस्थितियाँ थी कि व्यापार व्यवस्था पूरी चौपट हो गई। युद्ध के दौरान क्या था कि सैनिकों की वजह से बहुत ज़्यादा वस्तुओं की मांग थी, जिसके कारण उत्पादन बहुत किया जा रहा था। लेकिन उत्पादन क्या होता है, युद्ध खत्म होने के बाद उत्पादन भी उसी क्रम से बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो बाजार है, बाजार में क्या होता है कि बाजार में जो स्टॉक्स होते हैं वो भर जाते हैं सामान के। अब वो सामान जब होता है वो बिकेगा तब तो नया स्टॉक आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति सामान ही नहीं खरीद रहा था। समझ में आ रहा, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी हम। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध से जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं। दूसरा है उद्योगों का आधुनिकीकरण कह लो या यंत्रीकरण कह लो। तो उद्योगों का यंत्रीकरण में मतलब ये आता है कि युद्ध के दौरान उद्योगों को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया गया, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम बात करेंगे इस बारे में कि उद्योग जो थे इनको बड़ी तेज़ी से बढ़ाया गया। कारण ये था कि भैया सैनिकों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, खेत जो थे खेतों में भी काम करने में बड़ी संख्या में लोगों को जुटा दिया गया। जहाँ 1919 में लोगों को 52 घंटे काम करने पड़ते थे, ठीक है, अब वो 1930 में आकर सिर्फ 30 घंटे हो गए। अब सोचो, एक बात सोचने वाली बात है कि भी 30 घंटे कैसे घट गया। अभी 30 घंटे का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑफ नहीं मिलता था, लगातार कंटिन्यू 30 घंटे काम नहीं करता था, उसे 30 घंटे काम करना ही है, उसके बाद ही उसे कोई ऑफ मिलेगा। ऑफ मिलने का मतलब है उसकी छुट्टी। शाम को तो छुट्टी हो गई, लेकिन एक कहते ना वीक ऑफ, वीक में आपकी जो छुट्टी होती है वो आपको 30 घंटे के बाद ही मिलेगी, मतलब जब 30 घंटे आपने काम कर लिए हो पूरे वीक में। और जो मजदूर थे 1919 में, उन्हें उस समय पहले 52 घंटे, तो उस समय उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस समय उत्पादन भी थोड़ा हम देखते हैं कि कम होने लगा। उत्पादन कम होने का क्या कारण था कि बाजार में स्टॉक पूरे के पूरे बढ़ गए थे, उद्योगों को बड़ी तेज़ी से विकसित किया गया। अब बाजार में जब स्टॉक इतने मात्रा में बढ़ गया, अब उसको कोई खरीद ही नहीं रहा। अब कोई खरीद नहीं रहा तो कौन, कोई व्यक्ति रखेगा किसी को काम पर कि भाई अगर मेरी एक मिल हैगी, अगर मेरी एक फैक्ट्री है, अब मेरे पास क्या है कि भाई मैं मान के चलो मैं बुक्स की प्रोडक्शन करता हूँ, और जो मार्केट में है मैंने इतना बुक्स उत्पादन कर दिया, इतना प्रोडक्शन कर दिया कि मार्केट में ज़्यादातर दुकानों में बुक्स पहले से ही पड़ी हुई है, तो दुकानदार मेरे से बुक लेंगे, बुक नहीं लेंगे। तो उत्पादन की जो अधिकायता है या अधिकता है, ये पॉइंट थर्ड पॉइंट यही है कि उत्पादन जो था आपका बहुत ज़्यादा पहले से ही हो गया था मार्केट में। उत्पादन बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सामान खरीद नहीं रहा है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आगे चल के हमारी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी बढ़ती है। बेरोज़गारी क्यों बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मार्केट जो था आपका पूरा का पूरा
पैसों से क्या कहते उत्पादन से स्टॉक से भरा पड़ा था, अब मैं मेरी जो मिल है मैं किसी को काम पे क्यों रखूँगा, मेरा कोई वस्तु ही नहीं खरीदेगा, तो मेरे को मजबूरन क्या करना पड़ता था कि लोगों को काम से निकालना पड़ता था। लोगों को काम से निकालते थे तो क्रय शक्ति का अभाव हो जाता था कि भाई लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। अब लोगों के पास जब पैसा नहीं है तो लोग सामान क्या खरीदेंगे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्रय शक्ति का लोगों के बीच में अभाव हो रहा था। और क्रय शक्ति, ये तो मेनली एक देश के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि क्रय शक्ति का अभाव एक देश में किस प्रकार से हो रहा था कि मिल जो थी, फैक्ट्रीज जो थी आपकी, वो ज़्यादातर बंद होने को आ गई थी। क्यों? क्योंकि भी मार्केट जो था स्टॉक से भरा हुआ था और उत्पादन उसका करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर उत्पादन, अगर एक मालिक जो है वो अगर उत्पादन करता है, अगर मालिक उत्पादन करता है और मार्केट में खरीद ही नहीं रहा, तो उसके उत्पादन का कोई फायदा नहीं, उसे अपने जो मजदूर हैं उसको तो पे करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है कि लोगों के बीच में क्रय शक्ति का अभाव आ गया था, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर जो क्रय शक्ति हम देख रहे थे कि जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, इन इन जगहों पर क्या है कि एक तो गेहूं के जो दाम है ये भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, और किसानों को क्या है कि जितना उन्होंने अपनी खेती में पैसा भी लगाया उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण क्या है कि किसान वगैरह भी वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे थे। एक तो उद्योगों का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कि भैया बेरोजगारी वहाँ बढ़ गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ है कि भाई ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गेहूँ अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन क्या होता है कि उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन जितने किसान ने अपनी लागत लगा दी उतना उसको पैसा भी नहीं मिल पा रहा था। अब उसको पैसा ना मिलने के कारण क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं, तो लोग वस्तुओं को खरीद ही नहीं पा रहे थे। अब इसके कारण आगे चल के जो उद्योग वगैरह थे बंद हो रहे थे, या फिर जो भी किसान वगैरह थे वो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम आ गई, भी ये प्रॉब्लम आ गई कि आर्थिक संकट आना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण मुद्रा का असमान विभाजन या विषम विभाजन। देखो दोनों का मतलब एक ही है। स्वर्ण मुद्रा, आपको मैं बता दूं कि आज जैसे वर्तमान समय में आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा तो उसमें देखा था कि यूरो मुद्रा या फिर आपने देखा डॉलर, इन सब में इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादातर आपका होता है। बट क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ज़रा समझेंगे कि आर्थिक संकट जब चल रहा था तो उसमें एक ऋण चक्र चला। ऋण चक्र कैसे चला दोस्तों, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा आपको आर्थिक संकट क्यों आया था मेनली समझ में आ जाएगा, और किस प्रकार अर्थव्यवस्था एक दूसरे देशों से जुड़ी हुई थी। इसीलिए इसको ध्यान से बिल्कुल समझना। देखो अमेरिका, अमेरिका एक देश जैसा कि आप जानते हो, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका क्या हुआ कि एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। प्रथम युद्ध से पहले जो जर्मनी है और ब्रिटेन फ्रांस, ये भी बड़ी शक्ति थी। जर्मनी अलग देश था और ब्रिटेन फ्रांस अलग देश थे। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ नाम इसलिए लिया जा रहा है मेरे द्वारा क्योंकि ये दोनों एक ही देश थे, एक ही तरह के देश थे, यानी एक ही पार्टी थी, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, और जर्मनी जो था ये अलग था। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि भाई ब्रिटेन फ्रांस की तो टीम जीत जाती है और जो जर्मनी की टीम हार जाती है युद्ध में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाया है तो मैंने आपको उसमें बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो, और देख लिया है तो अपने और मित्रों को भी शेयर कर दी ताकि और मित्र भी देख सकें। जरा बात करते हैं कि भाई एक तो अमेरिका के बारे में बात हो रही है, दूसरी ब्रिटेन फ्रांस के बारे में बात हो रही है, और जो तीसरा है आपका जर्मनी के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी के जो हारने के कारण क्या होता है, इस पर वर्साई की संधि थोपी जाती है और जर्मनी को ही पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब जर्मनी को ये कहा जाता है कि भैया तेरे को सारा युद्ध का खर्चा देना है, जितना भी खर्चा हुआ युद्ध में सारा खर्च तेरे को ही भरना है। अब जब जर्मनी ने कहा भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो भाई जर्मनी को कहा गया कि आप अमेरिका से कर्ज लो और हमें पैसे उस चीज़ के भरो। तो भाई अब जर्मनी को क्या है, पैसा पे करना था। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी वीडियो में कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है, ये भी कर्जदार हो गए थे कि भाई अमेरिका से इन्होंने भी कर्जा ले रखा था। अब क्या हो रहा था कि भैया अमेरिका जो है, अमेरिका क्या करता, पैसा जर्मनी को देता कर्ज के रूप में, और जर्मनी किसको देता, ब्रिटेन फ्रांस को देता, और ब्रिटेन फ्रांस फिर जाके अमेरिका को देता। जो ये क्या है, ऋण चक्कर इन्हीं देशों के बीच में घूम रहा था कि जो सोना है, जो पैसा है, ठीक है, वो कहीं और नहीं जा रहा था, सिर्फ इन्हीं देशों के बीच में इर्द गिर्द में घूम रहा था। अब पैसा कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था, जिसका सबसे मूल कारण यही है कि
और इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी तो इसके कारण क्या हो जाता है कि भाई आर्थिक संकट आ जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण मुद्रा पहले क्या होता था, देखो दोस्तों गोल्ड ही चलता था, और गोल्ड क्या है ज़्यादातर कहाँ जाके जमा हो रहा था, ब्रिटेन अगर कहीं और से भी ले रहा था पैसा या जर्मनी भी कहीं और से भी पैसा ले रहा था तो सारा पैसा जा कहाँ रहा था, अमेरिका में। और अमेरिका के जो शेयर बाज़ार में जब जैसी गिरावट आई तो अमेरिका तो कहीं भैया पैसा लगा नहीं रहा है, अमेरिका कहीं पैसा नहीं लगा रहा तो भैया दुनिया में क्या आ रहा है, आर्थिक संकट आ रहा है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। जरा आगे बात करते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको लिखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्थिक राष्ट्रीयता। आर्थिक राष्ट्रीयता में दोस्तों ये पॉइंट आपको लिखना है कि हम आपको देखो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने देश के लिए ही खाली करना। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दो देशों ने जाना कि भैया अब तो हमारे देश की जो हालत है ना वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही, जिसके कारण क्या है कि भाई सभी देशों ने स्वार्थपूर्ण सोचना सोच लिया कि भैया मेरे को पहले अपने देश का विकास करना है, बाकी दुनिया दारी भाड़ में जाए क्या करना है क्या नहीं करना इस बात से कोई मतलब नहीं। उन्हें क्या है कि उन्होंने चार देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता अपनाया। आर्थिक राष्ट्रीयता में ये क्या है कि जो लोगों ने जो आयात करना मतलब खरीदना कम कर दिया, वो ना के बराबर खरीदते थे बल्कि, और जो जो निर्यात करना और बेचने के लिए पूरी दुनिया में वो तैयार रहते कि भैया मुझे अपना प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में सेल करना है। इसका बुरा प्रभाव पड़ा, जो ब्रिटेन जैसा जो देश था जो खुद पूंजीवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था उसने भी क्या कर दिया, उसने भी आगे चलकर खुद से ही आर्थिक राष्ट्रीयता के नीति अपना ली। और आपने देखा 1917 में रूस जो हैगा उसमें एक बोल्शेविक क्रांति होती है जिसके बाद सोवियत संघ का निर्माण होता है और उसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था आ जाती है। कई देशों में और भी साम्यवादी शासन व्यवस्था आती है, तो साम्यवादी शासन व्यवस्था में आपको पता ही है कि सब कुछ सरकार का होता है और बाहर से वो कुछ भी मंगाना नहीं चाहते, सरकार ही सारी ज़रूरतों को पूरी करेगी। तो ज़्यादातर देशों की जो सोच है वो कैसी होगी, संकुचित सोच होगी। संकुचित सोच का मतलब है छोटी सोच होगी कि भैया हमें व्यापार ट्रेडिंग में हमें अपना सामान बेचना है, बेचने पर क्या होगा कि भैया मैं अपना वस्तु बेचूंगा मुझे बाहर से पैसा मिलेगा, खरीदना कोई नहीं चाह रहा था। तो एक ये कारण भी रहा जो कि आपको क्या करता है कि भाई आर्थिक संकट जो है आपका इसके लिए रहता है। अब इसका अंतिम लास्ट पॉइंट बचता है आपका, क्या बचता है, तत्कालीन कारण। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई आपको इसके अंदर क्या लिखना है कि भाई जो अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है जो कि न्यूयॉर्क में उसका शेयर बाज़ार का मार्केट है, तो वहाँ पर क्या है आर्थिक संकट की शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या होता है कि न्यूयॉर्क में वहाँ पर हमने आपको बताया कि जो अमेरिका का जो स्ट्रीट वॉल था उसमें गिरावट आती है, उसी के कारण क्या है कि जो आर्थिक संकट पूरी दुनिया में आने लगता है। तत्कालीन कारण आप ऐसे लिखेंगे, सीधा सीधा सिंपल सिंपल न्यू ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपका निष्कर्ष आएगा, निष्कर्ष आपको कैसे लिखना होगा इस क्वेश्चन को कि भाई आप इस क्वेश्चन को आगे लिखेंगे कि निष्कर्ष में कि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के जो देश थे आपके उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार से क्या है कि जो आर्थिक संकट से उभरने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जो अमेरिका जैसा देश है वो सीधा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदता है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आता है तो तभी क्या करता है, तभी आर्थिक संकट से उभरता आएगा। और वहीं जर्मनी जो हो गया या फिर जो आपका इटली हो गया, इन देशों ने क्या किया, आर्थिक संकट का पूरा फायदा उठाया और ये बड़ी तेज़ी से इन्होंने अधिनायक तंत्र का प्रचार प्रसार किया। अभी हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे आपको बनते के साथ ही। क्या है कि अपडेट मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने और भी मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।